बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ये जो POJK की बात है, ये पहले भी बीजेपी कहती रही है, ये ठीक है अब क्योंकि चुनाव दो दिन रह गए हैं, चुनाव कैंपेन को खत्म होने, तो बीजेपी आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ऐसे मुद्दों को उभारेगी क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो भी नहीं, ये चुनावी मुद्दा है, ये पहले भी बीजेपी ने आपको पता कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसी बात की थी, POJK को हम लिबरेट करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले क्या इस हकीकत से हमें पर्दे और पर्दा उठाने की जरूरत है? आखिर इसके पीछे क्या हकीकत है? क्यों आखिर ये POK जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, अधिकृत हो गया? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या वो भी लोगों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है इस समय पर? देखिए, आजकल के जमाने में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों को सारी इंफॉर्मेशन है, लोग पुरानी चीजें निकाल रहे हैं। अब ये इतिहास में लोग इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1947 में ऐसा क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो पाकिस्तान के पास चला गया, किसकी गलती के कारण गया, किसने गलती की, किसने वहां पे उस समय सीज फायर किया, ये अब इतिहास की बातें हैं। अब तो इस समय हम अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी इन मुद्दों को पिछले 6-7 महीने से उठा रही है, लगभग 1 साल से उठा रही है। POJK बीजेपी का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। धारा 370 तोड़ने के बाद बीजेपी ने POJK को अपना मुद्दा बनाया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा बनेगा क्योंकि बीजेपी इसको एक्सपायर करेगी अपने आप वोट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, जम्मू संभाग में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी। ठीक है, मैं जुनैद जी आपका रुख करना चाहूंगा। जुनैद जी, POK पर थोड़ा सा ऐतिहासिक नजर अगर डालें तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखें, जहां तक पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, जम्मू इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ मेरे सीनियर साथी हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और इन्होंने वो बात भी करी, मैं थोड़ा उसको इन्हीं की बात को एलैबोरेट करूंगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरा, इसको अक्सर कश्मीर के प्रिज्म से देखा गया। कश्मीर के प्रिज्म से देखने का मतलब ये हो गया कि आप इसको कश्मीर का भूभाग मानकर बात करते हैं। ठीक है, ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोलने वालों की आबादी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा, ये अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का इस समय हिस्सा होता तो आपका मुख्यमंत्री पुंछ राजौरी तय करता, सरकार कौन सी बनेगी वो पुंछ राजौरी तय करता, यानी जम्मू संभाग को इन टोटैलिटी ये तय करता कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, वो इस मुद्दे को उभारते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम POJK को वापस लाएंगे। मैं इसको मानता हूं कि केवल और केवल एक चुनावी मुद्दा है। जहां तक रहा LOC को या लाइन को और लकीर से आगे जाने की बात, ठीक है, वो तो आने वाला कल बताएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप देश विदेश को देख लीजिए, आप किसी भी चीज को राजनीतिक मुद्दा तो बना सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में उस बाउंड्री को एक्सटेंड करना मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है। मगर ठीक है, ये आरोप और ये इतिहास ने ये चीजें देखी हुई है कि साल 1947 में अगर थोड़ा सा जम्मू संभाग के प्रति संवेदनशीलता उस समय की सरकार ने दिखाई होती और पुंछ और राजौरी के इस बहुत बड़े इलाके को पाकिस्तान में मिलने नहीं दिया होता तो आज जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण कुछ और होते। ठीक है, ओके। दिनेश जी, जिस तरह से जुनैद जी ने कहा कि अगर उस समय की गलतियां नहीं हुई होती तो आज के समीकरण कुछ अलग होते, आप सहमत हैं सैयद जुनैद जी से जो तमाम ये बातें कही हैं और इतिहास पर? बिल्कुल, मैं जुनैद जी की बात को पूरा इंडोर्स करता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप ही डिफरेंट होता अगर आज POJK जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू है, तो अगर उसको वो जिस स्टेट का हिस्सा होता तो जो पॉलिटिकल पावर जो है, बैलेंस ऑफ पावर पूरा जम्मू संभाग में होता, कोई नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एक चीफ मिनिस्टर जम्मू में होता, तो वो अब किसने गलतियां की, अब ये इतिहास की बात है। जुनैद जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि क्या गलतियां हुई, क्यों सीज फायर किया गया,
किसको खुश करने के लिए सीज फायर उस समय किया गया, जो इलाका पाकिस्तान को पूरी तरह से गिफ्ट कर दिया गया, जबकि वहाँ जैसे जुनेद जी की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ कि वहाँ नॉन स्पीकिंग पॉपुलेशन 99.9% है, वहाँ स्पीकिंग कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पहाड़ी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहाँ गुर्जर्स हैं, वहाँ जाट्स हैं, तो इसलिए उसका कश्मीरी कश्मीर की एथनिसिटी के बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।